ऋतुओं के राजा वसंत कहे जाने वाले वसंत ऋतु की शुरुआत माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होती है। इस दिन को वसंत पंचमी, श्री पंचमी, ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। वसंत ऋतु का जैसे ही धरती पर आगमन होता है, चारों तरफ प्रकृति का कण कण खिल उठता है, फसलें लहलहा उठती है, पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आसमान पर बादल छाए रहते हैं, कलकल करती हुई नदियां बहने लगती है। ऐसा लगता है मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कह दिया है कि समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु मैं ही हूं। इससे इस धरती के सौंदर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। वसंत ऋतु विद्या, वाणी और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है तथा उनसे विशेष कृपा प्राप्त की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी का दिन सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना पढ़ना सिखाए जाने की परंपरा भी है। मां सरस्वती की उत्पत्ति से संबंधित एक मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सारे सृष्टि की रचना करने के बाद कुछ कमी महसूस कर रहे थे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। काफी सोच विचार के बाद एक कमंडल उठाया और जल हाथ में लेते हुए उसे छिड़क दिया। जल के छिड़कते ही एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में थी। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। इस देवी को मां सरस्वती कहा गया। मां सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तारों को अंगुलियों से स्पर्श किया, उसमें से ऐसे स्वर पैदा हुए कि सारी सृष्टि की सभी चीजों में स्वर और लय आ गई, वे जीवंत हो उठी। ओ दिन बसंत पंचमी का था, तभी से सरस्वती पूजा मनाए जाने की परंपरा है। सरस्वती शब्द मन मस्तिष्क में उस छवि को साकार करती है जिनके हाथों में वीणा सुशोभित है। आंखों में अलौकिक स्नेह सागर उमर घुमर रहा है। वस्त्रों में सादगी इतनी कि कमलासन और हंस पर विराजमान मां का विराट रूप आंखों को सुकून देने के साथ साथ हृदय को भी आनंद के सागर में डुबो देती है। मां के इस अलौकिक आभा मंडल को देखकर लगता है संसार की सारी कलाएं मां के चरणों में समर्पित है। इनके एक मुस्कान मात्र से मूर्ख भी महापंडित हो जाते हैं। आज हम ज्ञान विज्ञान की जितनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उन सब में मां सरस्वती की कृपा विराजमान है। सरस्वती मां आस्था की देवी है, श्रद्धा विश्वास और ज्ञान की देवी है। संपूर्ण मानव जाति देवी की पूजा अर्चना, साधना आराधना किसी न किसी रूप में करती ही रही है। इसके बिना जीवन का उद्धार संभव ही नहीं है, चाहे वह कोई भी देश काल क्यों न हो। माता की कृपा से ही समाज में इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जिस देवी में विद्या, अध्यात्म के साथ साथ संगीत की सारी बारीकियां समाहित हैं, जब वह स्वयं गाती होंगी तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में पंचम स्वर की आर्द्रता, गंभीरता विराजमान हो जाती होंगी। मां सरस्वती जब वीणा के तारों को छेड़ती होंगी तो उस समय एक अद्भुत रागनी बजती होगी, जिसे संपूर्ण जगत उस माधुर्य नाद में डूब जाता होगा। एक कवि मां सरस्वती के प्रति अपनी श्रद्धा भाव कुछ इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है, मिट्टी की मूरत में सरस्वती नहीं है, देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है, देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है।
शास्त्र उपनिषद वेद पुराण में सनातन धर्म ग्रंथों में दैवीय आख्यानों में सरस्वती कहीं है? देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है, देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है। सुर में ताल में नाद और छंद में आरोह में अवरोह में स्वरों के अनुबंध में सितार और संतूर में ढोल और मृदंग में सरस्वती है। देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है, देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है। अनुभव और अनुभूतियों में भाव और विचारों में अध्ययन और अध्यापन में मनन और चिंतन में लेखन और वाचन में कल्याण का भाव है जिससे सरस्वती वही है। देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है, देख तू अपनी आत्मा में सरस्वती वही है, सरस्वती वही है।